शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये वीडियो का एनएस दोस्तों के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास या 12th क्लास में पढ़ते हैं। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल्स। आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में आर्टिकल्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं और आज इस वीडियो में मैंने ये वीडियो स्पेशली आर्टिकल्स को लेकर बनाया है। और इस वीडियो को करने के बाद आपको आर्टिकल्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब क्या है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको जो आर्टिकल्स के कैसे भी सवाल है आपको उसको फटाफट कर सकते हैं। साथ में आपको जो है आने वाले टाइम में भी ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात क्या है कि मैं आपके लिए समय समय पर कई जो वीडियो है लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। और जैसे आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल, आपका असाइनमेंट, इससे ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। साथ में आपके लिए पढ़ाई को लेकर और भी कई सब्जेक्ट की वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है और आगे भी कई आपके सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय लेते हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है क्या? तो ये वीडियो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए ज़रूरी है। और यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स होते क्या है, क्या है, कहाँ क्या लगते हैं। तो देखा जाए, आर्टिकल्स हमारे यहाँ पर देखा जाए दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट और एक होता है हमारा डेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या होता है? अनिश्चित, अस्पष्ट। और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, जिसके बारे में पता हो। और जहाँ जिसके बारे में ठीक से नहीं पता है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या लगाते हैं? ए एन। और जहाँ हमें किसी चीज़ के बारे में पता है वहाँ हम क्या लगाते हैं? द। इसे सीखने के दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, एक शब्दों के उच्चारण यानी कि साउंड्स, और दूसरा क्या बनता है इसका सेंटेंस का उद्देश्य, अर्थ, मीनिंग क्या है। तो थोड़ा सा ये हमें जानना होगा। तो करते आगे, अब अभी देख लेते हैं कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक वचन के किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान से पहले होता है। ध्वनि या उच्चारण के आधार पर ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ ओपन ए बोतल, एक बोतल खोले, अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ? ए लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी बोतल हो सकती है, कोई भी बोतल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ओपन द बोतल, कि यहाँ पे कहते कोई पर्टिकुलर कोई बोतल है जिसके बारे में कह रहा हूँ कि वो बोतल खोलनी है, तो यहाँ क्या लगाया जाएगा? द। तो जहाँ हमें नहीं पता था तो हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया, एन लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से हमें अच्छे से पता है कि वो चीज़ किसी चीज़ के लिए बात कही जा रही है, हमें उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? द। ऐसे अगर मैं आपको मैं कहूँ गिव मी अन अम्ब्रेला, तो अब यहाँ पे गलती क्या है कि गिव मी अन अम्ब्रेला का मतलब क्या है कि बहुत सारे छाते हैं, उन छातों में से मैं कोई भी छाते दे दो, ये बात हुई। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर छाते को अगर मैं इशारा करते हुए मांगता हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा वहाँ पर? गिव मी द अम्ब्रेला, कि मुझे छाता दो। लेकिन कैसा छाता? जो मैं चाहता हूँ वो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि ए है, ए का इस्तेमाल कहाँ होना है और किन किन कंडीशन में होता है। तो इट कम्स विद ऑल कॉन्सनेंट्स साउंड, मतलब क्या है कि हमारे ऐसे हिंदी होता है, हिंदी में हमारा का खा गा गा की तरह ज्ञातक होता है हमारा हिंदी में, तो उन सभी व्यंजन में क्या होता है? शब्दों का, अक्षर का जो उच्चारण होता है वही हमें गलते हैं कि शब्दों का उच्चारण जो है हमें देखना है इंग्लिश के वर्ड में। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कहते हैं कि हमारा डैश बॉय, अब इसमें हमारे कहते क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? बॉय कहाँ, उसका उच्चारण क्या होता है? बा। इसका उच्चारण में गलती क्या आ रहा है? बा आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, ए बॉय। ऐसे यहाँ पे गलती कहा जाए यहाँ पे दूसरे में, यहाँ पर डैश गर्ल, तो इसमें भी देखा जाए उच्चारण वर्ड में हमारे गलती क्या आ रहा है? गा, गर्ल, तो इसमें क्या आएगा हमारे पर? ए। ऐसे अगर हमारा देखा जाए यहाँ पर तीसरे में डैश पेन, तो इसमें देखा जाए पेन, पास से आ रहा है हमारा पेन, तो उसमें भी हमारे गलती क्या आएगा? ए आएगा। ऐसे हमारा अगर देखा जाए पर नंबर चार में डैश बुक, तो बुक भी देखा जाए शब्द यहाँ पर किससे आ रहा है? बा से आ रहा है बुक, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा? ए। ऐसे यहाँ पे हमारा देखा जाए पे हमारा नंबर पाँच में डैश यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी देखा जाए किससे शब्द बन रहा है हमारा? या से बन रहा है, तो इसमें हमारे गलती क्या आ जाता है हमारा? ए यूनिवर्सिटी। ऐसे हमारा अगर देखा जाए नंबर यहाँ पर छः में, तो हमारा बनता है हमारा डैश
यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म ही हमारा किस शब्द से बन रहा है, या से बन रहा है हिंदी में, या हिंदी का या उच्चारण हो रहा है। ऐसे यहाँ पे हमारा देखा जाए यहाँ पर डैश यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी हमारे क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे अगर हम नंबर 8 में देखें डैश 1 रुपी नोट, तो वन वन हमारे किससे शब्द आ रहा है यहाँ पर, वहाँ से आ रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा हमारा पर ए आएगा। और ऐसे यहाँ पर नंबर यहाँ पर 9 में डैश हॉर्स, हॉर्स में भी क्या देखा हो रहा है, हा का उच्चारण हो रहा है, हॉर्स में भी देखा जाए हमारा हा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा हमारा पर ए आएगा। और यहाँ से डैश यूनियन, तो यूनियन में हमारे कहते क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो इसे भी हमारे कहते क्या आएगा, ए। तो यहाँ हमने देख लिया कि हिंदी के हमारे जो का से लेके ग्या त्रया तक होते हैं हमारे यहाँ पर, उनके इंग्लिश में जो शब्दों के उच्चारण होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने काफ़ी सारे बताया यहाँ पर, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एन, एन का इस्तेमाल करने की, कि एन का इस्तेमाल कहाँ किन केस में होता है। तो पहला देखा जाए हमारे यहाँ पर, इट कम्स विद ऑल दी वोवल साउंड्स ए ई आई ओ यू, ऐसे यहाँ पे इट कम्स विद दी साइलेंस हा हा साउंड, यानी कि हमारे बहुत से इसमें चलते हैं कि जो है हमारे क्या होते हैं साइलेंस वर्ड भी होते हैं, जिसके बारे में आपको मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ अब यहाँ पे एग्जांपल रखता हूँ जिससे आप एन का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। देखा जाएगा यहाँ पर जैसे डैश अम्ब्रेला, अब इसमें देखा जाए अम्ब्रेला स्पेलिंग तो यू से है, लेकिन उच्चारण किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका एन अम्ब्रेला। ऐसे यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए हमारा डैश ऑरेंज, ऑरेंज में देखा जाए हमारा कहते हैं कि जो है किससे उच्चारण हो रहा है, ओ से हो रहा है, यानी कि हिंदी के हमारे जो है आ से लेके अंग आह तक जो हमारे होते हैं आ ई ई ओ ओ ए ए, जो हमारे अंग आह तक होते हैं, तो वो उच्चारण होना चाहिए हमारे इन वर्ड में, तो जो कि होता है यहाँ पे हमारा जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज जो है यहाँ पे हमारा देखा जाए किससे उच्चारण हो रहा है, ओ से, तो यहाँ पे क्या आएगा एन। ऐसे हमारा देखा जाए हमारे यहाँ पर डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट इसमें एच क्या है, साइलेंस है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं किसका उच्चारण हो रहा है, ओ का हो रहा है, तो इसमें भी हमारे कहते क्या आएगा एन आएगा। ऐसे यहाँ पे हमारा देखा जाए एलिफेंट, एलिफेंट देखा जाए हमारा इसमें किस शब्द का उच्चारण हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे हमारे किसका, ए का, ए से आ रहा है एलिफेंट, इसलिए इसमें भी क्या क्या लगेगा हमारे यहाँ पर एन। ऐसे हमारा देखा जाए हमारा एफ आई आर, एफ आई आर इस शब्द के उच्चारण में कहते क्या आ रहा है, एफ, ए से बनता है हमारा ए एफ एफ, इसमें हमारे कहते क्या आएगा एन। ऐसे यहाँ पे हमारा एम एल ए, इसके उच्चारण में कहते पहले क्या लेके आ रहा है, ए आ रहा है एम एल ए, तो इसमें भी हमारे कहते क्या आ जाता है एन। ऐसे हमारा अगर देखा जाए हमारा एल एल बी, एल एल बी, तो इस शब्द के उच्चारण में पहले हमारा क्या बनता है हमारा ए आ रहा है, तो इसमें भी हमारे कहते क्या आ जाता है एन। ऐसे यहाँ पे हमारा आई ए एस, इसमें भी कहते हैं कि हमारा पहले जो उच्चारण क्या आ रहा है आई, तो क्या आ जाएगा एन। ऐसे ही अगर हमारा देखा जाए यहाँ पे लास्ट यहाँ पे हमारा एन जी ओ, तो एन जी ओ, एन यहाँ पे किससे बना है पे हमारा एन से, ए से बना है ए एन 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 जी ओ, तो इसमें हमारे कहते क्या जाता है एन। तो अब यहाँ पे हम जो देखा जाए ए का इस्तेमाल है एन का इस्तेमाल है, इनको कहाँ लगाना है किस कंडीशन में लगाना है हमने सीख लिया, क्योंकि हमारा जो देखा जाए ए का इस्तेमाल हमारा कहाँ लग रहा है का से लेके ज्ञा तक, और एन का इस्तेमाल हमारे कहाँ लग रहा है आ से लेके आह तक, जो हमारे गलते क्या होते हैं हमारे स्वर होते हैं। तो चलिए अब तो हमने सीख लिया कि ए कहाँ लगाते हैं एन कहाँ लगाते हैं, लेकिन अब बारी आती है यहाँ पर हमारे किसकी दा की, कि यहाँ पे हम कहते हैं कि जो है दा है हम कहाँ कहाँ लगाते हैं किस किन कंडीशन में लगाते हैं, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर दा के बारे में, इट कम्स विद समथिंग और समथिंग डिफाइंड और पर्टिकुलर, कि यहाँ पे कोई चीज़ है कोई विशिष्ट चीज़ है इसके बारे में हमें पहले से पता है किस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे क्या लगाया गया यहाँ पर दा, जैसे कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है, तो हमें पता है कि बाहर कौन है, तो यहाँ पे क्या लगाया गया द। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, द गर्ल यू आर सीइंग इज माय डॉटर, लड़की जो तुम्हें दिखाई दे रही है वह मेरी बेटी है, तो यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है पता है कि वो लड़की कौन है,
तो क्या लगाएंगे? द। एक और कंडीशन में हमारा यहाँ पे हमारा द लगता है, वो कंडीशन हमारी बनती है यहाँ पर कोई पर्वत श्रेणियाँ होती है, माउंटेन रेंज होती है, नदी होती है, रिवर, नहर होती है, कैनल, कोई सागर होता है, सी महासागर होता है, और सी खाड़ी है, बे रेगिस्तान है, डेजर्ट है, द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, प्रसिद्ध इमारतें हैं, फेमस बिल्डिंग है के नाम से पहले क्या लगता है? द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे हमारा द हिमालयस माउंटेन रेंज है, द ब्रह्मपुत्र रिवर रिवर है, द बकिंगम कैनल, ये हमारे घर कैनल है, नहर है, द इंडियन ओशन महासागर है हमारा, द बे ऑफ बंगाल बे है, खाड़ी है, द सहारा डेजर्ट रेगिस्तान है, द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, द ताज महल फेमस बिल्डिंग है। तो ये हमारे गलते की कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हमें क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। और एक और कंडीशन में हमारे यहाँ पर द लगता है सिंगुलर कॉमन नाउन, जब समस्त जाति या वर्ग होल कास्ट और क्लास का बोध कराते हैं तो उनके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, क्योंकि यहाँ जो डॉग है पूरी पूरी कास्ट को बता रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? द लगेगा। ऐसे ही हमारा एक और कंडीशन में हमारे यहाँ पर जो है द का इस्तेमाल होता है धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो ये हमारे कुछ धार्मिक पवित्र पुस्तकें हैं जिनके पहले क्या लगता है? द लगता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए पे हमारा एक और कंडीशन में यहाँ पे हम द लगाते हैं, तो द वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, और आप इसके बाद जो द को लेके कंफ्यूज नहीं होगे कि द कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। आपका ए और एन है ये तो चलो कन्फर्म हो गया, लेकिन अब द है, द के सारी कंडीशन हमें थोड़ा समझनी पड़ेगी कि द कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि अगर आप एक बार सारी कंडीशन अगर समझ जाते हैं तो आपको फिर आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपको एग्ज़ाम को लेके ना ही दूसरी चीज़ों को लेकर दिक्कत आएगी। तो करते हैं आगे, नंबर 5 में देखते हैं यहाँ पे हम कवि या लेखक है, कोई पॉइट है या राइटर है के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमने देख तो लिया कि अभी द लगाते हैं, लेकिन एक कंडीशन हमारी ऐसी भी है जहाँ हम द नहीं लगाते। कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई पॉइट राइटर है, तो इनके नाम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, प्रेमचंद, चेतन भगत, तो ये कुछ हमारे फेमस जो यहाँ पे हमारे गलते की जो है पॉइट राइटर है जिनके आगे हम यहाँ पे नाम के आगे हम द नहीं लगाते। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नंबर 6, चारों दिशाओं के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जो डायरेक्शन होती है हमारी, जैसे यहाँ पे हमारा द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, ये हमारे कुछ डायरेक्शन होती है जिसके साथ हम जो है यहाँ पे हम जो है अपना द लगाते हैं। नंबर 7, प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इमोर्टल गांधी, द ग्रेट बर्नार्ड शो। नंबर आठ में देखा जाए यहाँ पर जहाजों, वायुयानों यानी कि शिप्स है, हमारे एरोप्लेन्स है और ट्रेन्स है के नाम से पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर द INS विक्रांत। INS का मतलब क्या होता है पे हमारा? इंडियन नेवी शिप। ऐसे हमारा देखा जाए पे हमारा यहाँ पर द डेकन चार्टर्स, ये हमारा एयरप्लेन्स है। ऐसे यहाँ पे हमारा देखा जाए पर द गतिमान एक्सप्रेस जो कि ट्रेन है, तो इनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर नौ में हमारा क्या बनता है पे हमारा? समाचार पत्रों के नाम से पहले द का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू यॉर्क टाइम या कोई भी, मतलब बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर वाले हैं जो अपने नाम के आगे द नहीं लगाते, लेकिन अगर वो लगाए तो गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दस में कहा जाता है पे हमारा ऑल एंड बोथ के अक्सर द का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमारे कहते हैं कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं ऑल है बोथ है तो वहाँ पर हम अक्सर द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑल द बॉयज़ वर एबसेंट यस्टरडे, कल जो है सारे जो लड़के थे वो गैर हाजिर थे। ऐसे यहाँ पे हमारा बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वर
गुड, दोनों ही दोस्त बहुत अच्छे थे। नंबर 11, नंबर 11 में कहा जाता है पे हमारा, नंबर 11 हमारी कंडीशन बनती है कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे है पे हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे। तो ये हमारे कुछ हमारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके आगे हम यहाँ पे द लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा नंबर 12, नंबर 12 में हमारी कंडीशन बनती है सरनेम से पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द कुमार्स हैड गॉन ए टूर। जो यहाँ पे देखा यहाँ पर द मेंबर ऑफ द कुमार्स फैमिली है, इस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं क्या लगाते हैं यहाँ पर कुमार्स, यानी कि एक तरह से सरनेम है, सरनेम जो कि फैमिलीज के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पे हमारा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा द, क्योंकि कुमार्स है, कुमार्स की फैमिली है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया यहाँ पे हम द कुमार्स हैड गॉन ए टूर, कि कुमार है, कुमार्स की फैमिली है, वो कहाँ के टूर पे गए, छुट्टी पे गए हैं। ऐसे यहाँ पे हमारा कहते हैं नंबर 13, नंबर 13 में हमारी कंडीशन बनती है कुछ प्रांत देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लग गया नाम के आगे। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए नंबर यहाँ पे हमारा 14, नंबर 14 में हमारी कंडीशन बनती है कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती है उनसे पहले द का प्रयोग होता है, देखा जहाँ पर जैसे द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन, क्योंकि ये जो है वस्तुएं ऐसी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक है, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा द लगेगा। ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है, पर ऐसे हमारा बनता है नंबर 15 में सुपरलेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इटीसी के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द फर्स्ट टेबल ऑफ माय क्लास वाज मिसिंग, कि मेरे क्लास का जो पहले बेंच है, डेस्क है, वहाँ पर जो है कि जो भी है वो क्या था, एब्सेंस था, तो क्या लगा यहाँ पर द। जब भी कहते काउंटिंग की बात आती है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहाँ पर यूँ जो है द का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 16, कंपेरेटिव डिग्रीज में एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होने पर द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न, कि जितना आप करते मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे, तो इस तरह से जो कंपेरेटिव डिग्रीज एडवर्ब होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं द का इस्तेमाल लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो प्रॉपर नाउंस कॉमन नाउंस की तरह इस्तेमाल होते हैं उनसे पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे कश्मीर इज़ दी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, मतलब क्या है यहाँ पर कश्मीर इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज स्विट्ज़रलैंड, कि यहाँ पर देखा जाए कश्मीर जो है यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के जैसे क्या खूबसूरत है, तो अब यहाँ पर भी क्या लगेगा द लगेगा। नंबर 18, किस देश की भाषा लैंग्वेज के पहले द का इस्तेमाल करने पर वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है, जैसे द फ्रेंच, द पीपल ऑफ फ्रांस, द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, तो मतलब क्या बनता है हमारे यहाँ पे द फ्रेंच, तो यहाँ इस वजह से हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 19, नंबर 19 में कहा जाता है हमारे यहाँ पर किसी संगीत वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए पहले द लगाते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके आगे हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे, जैसे यहाँ पे द फ्लूट, द गिटार, द पियानो या कोई भी, तो इस तरह से हम कहते क्या लगाते हैं जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम से पहले क्या लगेगा द। ऐसे अब यहाँ पे जो देखा जाए लास्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन हो सकती है लेकिन वो इधर से हाई लेवल पे आती है तो आपके लिए इतना हाई लेवल करना जरूरी नहीं है, आप इतने कर लीजिए आपके लिए बहुत है। तो ये लास्ट मैं आपको 20 जो है बता रहा हूँ, 20वां नंबर है द लगाने का, मैं आपको बता रहा हूँ, तो करते हैं। किसी मशहूर होटल है, कोई एसोसिएशन है, यूनियन है के लिए पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ताज महल पैलेस मुंबई, द AABB फॉर्मली अमेरिकन एसोसिएट ऑफ ब्लड बैंक। ऐसे यहाँ पे नंबर 3, द यूनाइटेड ट्रांसपोर्टेशन यूनियन। तो ये हमारे कुछ जो फेमस है क्या है, होटल है, आपके जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी आसपास में बहुत सारे जो फेमस होटल है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में और भी बहुत सारे यहाँ पर फेमस होटल है, जैसे हयात होटल है, ओबरे होटल है, सूर्या होटल है, और भी कई तरह के यहाँ पे देखा जाए दिल्ली में
बहुत सारे होटल है, तो जो भी मशहूर होटल्स होते हैं, एसोसिएशन होती है, यूनियन होती है, उनके आगे हम यहाँ पे हम दाव लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो है ए एन और द की जो कंसेप्ट है कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, इससे जुड़ी हुई जो कंडीशन है मैंने आपको पूरी पूरी बताने की कोशिश की है। तो यहाँ आपको करना है क्या है, आपको इन सब कंडीशन को अच्छे से समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है ए एन दी इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो सैम्पल पेपर्स है, जो गाइड्स है या कुंजी है, जो भी आपके पास है, आप उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का 4 नंबर का ये ऐसे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो इसके अलावा आपके जो आगे चल के जो भी आप तैयारी करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOS की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।